अरबिक और इंग्लिश का हिस्सा खोल लें। कितने सबक हो चुके हैं? चार हो चुके हैं ना। आज इंशाल्लाह पांचवा सबक पढ़ेंगे। खोल पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल खामिस, लेसन नंबर 5, पांचवा सबक। अइन तज़हबू, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अइन हम पहले पढ़ चुके हैं ना दोस्तों। अइन के क्या माने? कहाँ। अज़हबू इलस्सूकी, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब देखें अरबी में बाजार के लिए, मार्केट के लिए कौन सा लफ्ज आता है? सूक आता है, सीन वाव काफ। लिमाजा, फॉर व्हाट, किस लिए। उरीदु अन अश्तरिया हिदा अन ली, आई वॉन्ट टू बाई शूज फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता हूँ कि मैं खरीद लूँ अपने लिए जूते। अब देखें हिजा, हिजा का लफ्ज आया ना। हिजा अरबी में कहते हैं किसको? चप्पल, जूते वगैरह जो होते हैं। अना ऐज़न उरीदु अन अश्तरिया बाज़ल अशिया, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाई सम थिंग्स, मैं भी चाहता हूँ कि मैं खरीद लूँ कुछ चीज़ें। आइजन हम पहले पढ़ चुके हैं ना। आइजन के माने क्या है? भी, मैं भी चाहता हूँ, समझ गए। और अशिया किसको कहते हैं? चीज़ें। तफज़ल नज़हब मान, लेट्स गो टुगेदर, चले हम साथ चलते हैं। शुक्रन या अखी, वहादा अहसन, थैंक यू ब्रदर, दैट्स फाइन, शुक्रिया ए मेरे भाई, ये ज़्यादा बेहतर है। समझ गए। पहले तो आप अकेले जा रहे थे, कहते हैं ना एक से दो भले, है ना। एक आदमी अकेला जा रहा हो और दूसरा उसके साथ हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, है ना। बिकम हादल हिजाउ या सईदी, हाउ मच फॉर दी शूज, ये जूते कितने के हैं ए मेरे मोहतरम। अब ये दोनों बाजार जा रहे थे ना, पहले वाले को तो जूते खरीदने थे, दूसरे वाले को कुछ और चीज़ें खरीदनी थी। बाजार पहुंच गए, जूतों के दुकान पहुंच गए, अब उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये जूते कितने के हैं, समझ गए। तो ये है ना बिकम, बिकम के माने क्या है? कितने के हैं। हाजा बिमिअतैनि व खमसीना रुबियतन, दीज आर फॉर 250 रुपीस, ये 250 रुपए के हैं। सस्ते नहीं है बहुत, है ना। ये वो चोर मार्केट वाले तो नहीं है, हाँ, चाइना वाले। अच्छा, हल हाजा जय्यदुन, आर दीज गुड, क्या ये उम्दा है। जय्यद कहते हैं उम्दा को, अच्छे को, समझ में आ गए। नाम हाजा सिंफुन मुमताजुन, यस दिस इज द बेस्ट क्वालिटी, जी हाँ ये आला मेयार के हैं, समझ गए। सिंफ कहते हैं मेयार को, सिंफ किसको कहते हैं, और मुमताज के माने हैं अच्छा आला। खुजिल फुलूसा व अतिनी हाजा, टेक द मनी एंड गिव इट टू मी,
ये पैसे लीजिए और ये मुझे दे दीजिए। फुलूस, फुलूस किसको कहते हैं? पैसों को, रुपए। शुक्रन, मासलामा, थैंक यू, गुड बाय, शुक्रिया, सलामती के साथ। समझ गए? कौन तर्जुमा करेगा? करे शाबाश। अंत तो नहीं है हमारी किताब। हाँ, नज़हब, ए मेरे मोहतरम। जैसे इंसान किसी दुकान जाता है तो कहते हैं भाईजान, सर, तो सैयद के माने आते हैं किसके? मोहतरम के, बड़े के। जी, रूबीयतन 25, हमें 250 कम लग रहे हैं, आप उसको 25 पे ला रहे हो। जी, और ये मुझे दे दीजिए। बैठ जाएं। समझ में आया? मुश्किल तो नहीं है, आसान है? आगे चलें, चलें, पढ़ें। अद्दर्सु सादिस, लेसन नंबर 6, छठा सबक। अभी ये छठा सबक है ना, इसमें फ़ोन पे बातचीत हो रही है। अभी तक तो आमने सामने हो रही थी ना, अब फ़ोन पे बातचीत हो रही है, खैर खैरियत हो रही है और तबीयत को पूछा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम, हेलो, अस्सलामु अलैकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من على الهاتف؟ Who's on the line؟ कौन है फोन पर؟ हातिफ कहते हैं फोन को दोस्तों। फोन जो होता है ना, फोन जो PTCL वाला, जो खराब होते हैं आजकल, वो वाले है ना। PTCL है किसी के घर में? बस PTCL मत रखें दोस्तों, वरना इंसान बहुत ज़्यादा गीबतें करता है और बददुआएं देता है उन लोगों को, PTCL वालों को। वाकई में इसलिए गुनाह से बचने के लिए क्या करें? PTCL ख़त्म कर दें, मोबाइल रखें। वाकई में तो हातिफ किसको कहते हैं? फ़ोन को। अना, आई एम, मैं। अब मैं के बाद आप हजरात अपने अस्माए ग्रामी लिख लें उसमें, आप कौन हैं? माशा अल्लाह, अइना अंता, माशा अल्लाह, वेर आर यू, माशा अल्लाह, आप कहाँ हैं? अब अचानक किसी ऐसे दोस्त का फ़ोन आया जो बड़े अरसे से रबते में नहीं था,
और जब आवाज़ सुनी, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप कहाँ हैं? समझ गए, अना फिल मंजिले कुंतु मरीजन मुंजु उस्बुअइन, आई एम एट होम, आई हैव बीन सिक फॉर द पास्ट टू वीक्स, मैं घर पे हूँ, मैं बीमार था दो हफ्तों से। इसको पता ही नहीं था कि भाई इतने दिनों से रब्ता क्यों नहीं है, समझ गए। तो मंजिल किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। अरबी में घर को बैतुन भी कहते हैं, दारुन भी कहते हैं और मंजिलुन भी कहते हैं, ये सब आता है। उस वाइन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक हफ्ते के लिए कौन सा लफ्ज आता है? उसबू। और जब इसको दो करें, डबल करें, तस्निया करें तो क्या हो जाएगा? उसबुआइन। तअस्सफ तो लिहाज़ल ख़बरी, आई एम वेरी सॉरी टू हेयर इट, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बात सुनकर। वकैफ़ अंतल आन एंड हाउ आर यू नाउ, और अब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैरिन अल्यौम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन टुडे, अल्लाह का शुक्र है आज मैं खैरियत से हूँ। माज़ा हदस लका, व्हाट हैपेंड विथ यू, आपको क्या हुआ था? अब कोई कहे ना भाई मुझे, मैं बीमार था, तो हम पूछते भाई क्या हुआ था? बुखार था, सर दर्द था, पेट दर्द था, क्या था? समझ में आ गई। असाबत निल हुम्मा, आई हैड अ फीवर, मुझे बुखार हो गया था। देखिए हुम्मा कहते हैं किसको? बुखार को। बुखार जानते हैं ना, बुखार जानते हैं ना, उसमें पैर में दर्द होता है ना? नहीं, बुखार में क्या हो जाता है? जिस्म गर्म हो जाता है। शफाक अल्लाहु शिफा अन कामिला, मे अल्लाह ग्रांट यू कंप्लीट हेल्थ, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा नसीब फरमाए। अना मुतशक्किरुन जिद्दन, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्र गुज़ार हूँ। जिद्दन के माने बहुत के दोस्तों, समझ गए दोस्तों जी। अब कौन करेगा? करें, शाबाश। थोड़ा सा जोर से, नहीं भाई माफ़ी नहीं मांगनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बात सुनकर। असाबतनी बहुत
समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया? फिर इसको देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बाकी आगे पढ़ेंगे कल। रजिस्टर हाजिरी का है ये जो तालिबे इल्म यहाँ नहीं होते, वो क्या नाम है उनका? नूर मोहम्मद है, तो उनकी रुख्सत लगा दीजिएगा, उन्होंने कुछ दिन की रुख्सत ली है, ठीक है।